अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हमारा सेकेंड लेसन 1.2 द फन दे हैड, इस लेसन का एक्सप्लेनेशन उर्दू में, दैट इज़ पेज नंबर 6 और 7। पूरा सबक आज नहीं करेंगे, सिर्फ दो पेजेस पे जो सबक है उतना ही हम आज समझेंगे। सो हियर लेट अस स्टार्ट विद द लेसन द फन दे हैड, यानी उन्होंने क्या मज़ा किया या किस तरीके का मज़ा उन्होंने किया था। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी, ये जो हमारे इस स्टोरी का, इस कहानी का मेन किरदार है, उसने क्या की उस रात, उसने अपनी डायरी में ये लिखी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। शी रोट, यानी डायरी के उस पेज पर जहाँ पर 17 मई 2157 लिखा था, उसने ये लिखी कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली, ये किताब बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। यानी मार्जी के दादा, उन्होंने कहा कि जब उनके दादाजी छोटे थे, लड़का छोटे बच्चे थे, तब उस वक्त कहानियाँ किताबों के पन्नों पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येल्लो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। यानी यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने, मार्जी और टॉमी जो साथ में बैठे थे उस वक्त, टॉमी, यू कैन सी टॉमी वहाँ पर किताब लेके बैठा हुआ है। सो उन्होंने जब पेजेस पलटे, पन्ने पलटे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, तो उस पुरानी किताब के पेजेस, पन्ने कैसे थे, तो पीले हुए थे और क्रिंकली, यानी जैसे कि कुचले हुए, उसका पूरी तरह से क्या हो गया था, कुचले गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली, अभी ऑफुली का मतलब है बहुत ही खौफजदा या खौफनाक, तो यहाँ पर ऑफुली फ़नी यानी क्या, ये बहुत ही अजीब लग रहा था। यहाँ पे ऑफुली फ़नी यानी अजीबो गरीब किस्म का था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। यानी यहाँ पर मार्जी कहना चाहती है कि वहाँ पर उस किताब में, उस पुरानी किताब में वर्ड्स जो थे वही के वही थे, यानी पढ़ने के बाद वर्ड्स हिलते नहीं थे, जैसे कि आज के नए ज़माने में क्या हो रहा है, स्क्रीन पर वर्ड्स अपने आप क्या होते हैं, पढ़ने के साथ मिट जाते हैं। तो ये सुनने के बाद मार्जी आगे बोलती है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे वो कहना चाहती है कि जब उन्होंने किताब पढ़ते पढ़ते उसका पन्ना पलटे, यानी नेक्स्ट पेज पे गए या फिर पीछे वाले पेजेस पे गए, तो उन्होंने क्या पाया कि वो अल्फाज जो जैसे पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ वैसे के वैसे था, पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ वैसे के वैसे ही मौजूद था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। ये था रियल बुक का मज़ा। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तब टॉमी कहता है अपने एक्सप्रेशंस कि व्हाट अ वेस्ट, कितना बर्बाद करते हैं किताबें यानी पेजेस, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब किताब पढ़ के हो जाएगी तब क्या करना है, कोई भी किताब डबल से नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब ये किताबें फेंकी जाती होंगी। डेफिनेटली ऐसा ही उस ज़माने में लोग करते होंगे। A television screen must have had millions of books on it and it good for plenty more. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी आज की जो टी वी स्क्रीन, यानी वो 21वीं सदी के बच्चे हैं, 2157 के, यानी 22वीं सदी के बच्चे ये बताए गए। तो वो कहते हैं कि 22वीं सदी के जो बच्चे हैं, मार्जी और टॉमी, कि आज के हमारी जो टीवी स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें जो किताबें मिलती है, जैसे आज देखो हम लोग मोबाइल पे देखते हैं, लैपटॉप पे देखते हैं, तो आने वाली 22वीं सदी तक आपको ऐसी टीवी भी मिलेगी जहाँ पर उसमें मिलियन, लाखों की तादाद में किताबें आपको उस पर मिलेंगी। तब ये बच्चे मार्जी और टॉमी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो इतनी सारी किताबें हैं एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो क्या मैं टीवी फेंक दूँगी, बिल्कुल नहीं। सेम विथ माइंड, मार्जी भी कहती है मैं भी अपनी टीवी भला क्यों फेंकूँ। सो शी वॉज 11 एंड हैडन सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। तो टॉमी जो था वो 13 साल का था
और मार्जी 11 साल की। इस वजह से, 2 साल के फ़र्क की वजह से, मार्जी ने क्या नहीं किया था, मार्जी ने टॉमी की इतनी कई सारे टीवी बुक्स पढ़े नहीं थे, तो उसको लगा कि शायद जो टॉमी कहता है वो सही है कि उस वक्त पुराने ज़माने में किताबें पढ़ने के बाद शायद से वो फेंकी दी जाती थी। अब उसके आगे शी सेड वेयर डिड यू फाइंड द बुक, फिर भी वो पूछती आखिर सवाल कि टॉमी तुमको ये किताब आखिर मिली कहाँ। तब उसने कहा कि मेरे घर में, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग अप, उसने बिल्कुल अप उसकी तरफ देखा ही नहीं, सिर्फ इशारे से कहा गया कि मेरी घर में, बिकॉज ही वॉज़ बिजी, क्योंकि उस पुरानी किताब के पढ़ने में यू कैन सी वो एक तरफ एकदम मसरूफ हो गया था। इन द एटिक, इन द एटिक यानी पुराने जगह पे जहाँ पे हम पुराना सामान रखते हैं वैसे। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल, तो ये किताब किस बारे में है, मार्जी पूछती है। तब वो कहता है स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल यानी बहुत एकदम चिढ़ गई वो। स्कूल, What is there to write about school? I hate school. तब वो कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के जैसे आखिर क्या बात है, मुझे स्कूल से सख्त नफरत है। Then मार्जी always hated school. और ये हकीकत थी कि मार्जी हमेशा से, मार्जी ने स्कूल से नफरत की, but now she hated it more than ever. और अभी अभी तो मार्जी पहले से भी ज़्यादा hate करने लगी थी, because the mechanical teacher had been giving her test after test in geography. और उसने क्या बताया, reason क्या है यहाँ पर, उसके जो mechanical teacher थे यानी online teacher पढ़ाने वाले mechanical teacher जो मशीन उनको पढ़ाती थी, वो मशीन क्या कर रही थी, बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट में उसको टेस्ट दिए जा रही थी, जिसकी वजह से मार्गी की नफरत और बढ़ने लगी थी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो दिन ब दिन क्या कर रही थी, पढ़ाई में बद से बदतर होती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक उसकी माँ ने उसको ज़रा हिलाया, बताया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। एंड देन शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, टू सेंट फॉर यानी उसने बुलावा भेजा, किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर यानी कौन, जो मैकेनिकल टीवी यानी मशीन्स रिपेयर करने वाले रहते हैं उनको काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, वो आदमी कैसा दिखता था, एक राउंड लिटिल मैन था, गोल गोल सा, मटोल सा, चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, उसके पास एक पूरा बहुत बड़ा सा बॉक्स था जिसमें डायल्स थे, वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट, उसने मार्गी को एक एप्पल दिया, उसकी तरफ स्माइल किया, और क्या किया, वो वहाँ से टीचर यानी वो मशीन लेके निकल गया दूसरे रूम में। तो जैसे वहाँ से निकल गया, मार्जी हैड होप, मार्जी को उम्मीद थी, दैट ही वुड नो हाउ टू पुट इट, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसको ऐसी उम्मीद थी कि ये टीवी मैकेनिक जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, शायद से वो ये टीवी रिपेयर करने में नाकामयाब हो जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, बिकॉज उस काउंटी इंस्पेक्टर को बराबर पता था कि टीवी कैसे रिपेयर करना है। एंड आफ्टर एन आवर सो, एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो बड़ी सी काली सी टीवी लेकर उसके सामने, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्ड। और फिर वो टीवी लेके आ गए, जो बड़ी सी टीवी थी, काली भद्दी, बिकॉज अगली क्यों लग रही है, क्या टीवी भद्दी नहीं होती, बदसूरत नहीं होती, लेकिन मार्गी उससे नफरत करती थी, इसके लिए मार्गी के लिए वो टीवी क्या थी, एक बदसूरत सी मशीन थी, जो क्या करती थी, उसको सबक पढ़ाती थी और एक के बाद एक सवाल पढ़ाती जाती थी। दैट वॉजन्ट सो बैड, और टीवी सच में फट से रिपेयर भी हो गया। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, तो इसमें सबसे हेट करने वाला पार्ट कौन सा था, यानी टीवी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन जिससे मार्जी नफरत करती थी, वो हिस्सा क्या था, तो वो एक स्लॉट था, स्लॉट यानी एक ऐसा हिस्सा, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जिसमें वो पेपर्स और होमवर्क डालती थी और बटन दबा के फॉरवर्ड करती थी ताकि उसकी मैकेनिकल टीचर उसको रिपेयर कर सके। सो हियर शी ऑलवेज हैड टू पंच कोड दे मेड हर लर्न राइट देम आउट इन व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड,
तो शी ऑलवेज हैड टू पंच कोड, तो जो कोड था उसको हमेशा पंच करना पड़ता था. दे मेड हर लर्न, और वो कैसे लिखना है कैसे करना है, जब वो 6 साल की थी तभी उसको सिखाया गया था. द टीचर, मैकेनिकल टीचर, शी कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी उसको पेपर सबमिट करने के लिए वक्त लगता था, लेकिन जो उसके टीचर थे वो नो टाइम में, यानी बहुत ही कम वक्त में, कैलकुलेटर के जैसा फटाफट कैलकुलेट करके मार्जी के मार्क्स उसको इमीडिएटली बता देते थे. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. इंस्पेक्टर का काम ख़त्म होने के बाद उसने स्माइल किया और मार्जी के सर पे वापस एक बार पैट थपथपाते हुए आगे वो गया उसके मम्मी के पास और मम्मी से उसने कहा, ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की यानी मार्जी की गलती नहीं है मिसेस जोन्स. मार्जी के मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अप अ लिटिल टू क्विक. गियर अप होना यानी क्या, स्पीड बढ़ना. तो यहाँ पे वो जो मैकेनिकल, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो मार्जी के मम्मी को बताते हैं कि मार्जी की गलती नहीं है इसमें, वो जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसके मैकेनिकल टीवी का वो ज़रा फास्ट हो गया था, गियर क्विक यानी ज़रा फास्ट हो गया था. बट दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और मशीन है तो मशीन के साथ तो ऐसा कभी ना कभी होता है, कभी मशीन चलती है कभी नहीं चलती, कभी फास्ट चलती है कभी अटक जाती है. तो यहाँ पर ये बताने के बाद वो आगे कहते हैं, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है, इस मैकेनिकल टीचर का स्पीड अभी कम कर दिया है और उसके मुताबिक किसके, तो मार्जी के हिसाब से यानी 10 साल की उम्र की लड़की को पढ़ाने के हिसाब से मैंने उस मैकेनिकल टीचर का स्पीड कम कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि मार्जी के जो पढ़ाई करने का तैयारी ये है तरीका है, या मार्जी होशियार है, एवरेज है, गुड. एंड शी पैटेड मार्जीज हेड अगेन, वापस से उसने मार्जी का सर थपथपाया और वो वहाँ से साइड हो गए. बट ये देखने के बाद मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी को लेकिन बहुत मायूस हो गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उसको उम्मीद क्या थी कि इसकी टीवी भी हमेशा के लिए या एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए, कुछ महीनों के लिए सही, वहाँ से हटा दी जाएगी. क्योंकि जब टॉमी की टीवी ख़राब हुई थी, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर थी घर पे, यानी वो टीवी जब वो ख़राब हुई थी, तब उसकी टीवी एक महीने के लिए बराबर वहाँ से हटा दी गई थी बिकॉज उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं मटेरियल था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वट राइट अबाउट स्कूल. तो ये होने के बाद वो टॉमी से बात करी कि भला ऐसे स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने के जैसा आखिर है ही क्या. तब टॉमी कहता है, लुक एट हर विथ सुपीरियर आइज. तो टॉमी, जैसे मैं बड़ा हूँ, सुपीरियर यानी बड़ा होने के हिसाब से वो कहता है, बड़ी बड़ी आँखों से देखता है, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो वह कहती है, पागल ये अपने जैसे स्कूल नहीं है, घर पे ऑनलाइन, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. बोलते ये पुरानी टाइप की किताब है जिसके बारे में इस बुक में लिखा है, ये किताबें 100 सालों से भी पहले की है. ही एडेड लॉफ्टीली, और बहुत आसानी से, आराम से वो कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, हज़ारों सैकड़ों सालों के पहले, सेंचुरीज यानी सैकड़ों सालों से पहले ऐसी स्कूल्स क्या थी, एग्जिट करती थी, जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते थे, फिर वो साथ में खेलते थे, कूदते थे. और उस वक्त मैगी वॉज हर्ट, मैगी को बुरा लगा. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. तो मैगी को ज़रा बुरा लगा ये सुनकर कि इतना मज़ा बच्चे करते थे उस वक्त. फिर भी वो कहती है, वेल मुझे नहीं पता कि किस किस्म की स्कूल उस वक्त थी, बट शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. तो उसने क्या कर दिया, मार्जी ने टॉमी के पीछे से कंधे पे से झाँक झाँक कर किताब में से पढ़ने की कोशिश करने लगी. एनी वे दे हैड अ टीचर, श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो जब किताब पढ़ते पढ़ते मार्गजी ये पढ़ती है कि उस वक्त के ज़माने में स्कूलों में टीचर पढ़ाते थे, तब वो कहते हैं उनके टाइम पे टीचर भी थे. तो टॉमी कहता है, श्योर ऑफकोर्स उनके टाइम पे टीचर थे, और हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं रहते थे उस वक्त. तो बोलते हमारे जैसे रेगुलर नहीं आने, तो वो कहते हैं जैसे अभी हमारे रेगुलर टीचर ने मशीन्स है,
मैकेनिकल टीचर, लेकिन उस वक्त क्या था, इट वॉज अ मैन। उस वक्त उनको पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो कौन थे, एक इंसान उनको पढ़ाते थे। तब मार्जी कहते, मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? बोलते, क्या इंसान भला कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो वो कहते हैं कि वो टीचर कैसे पढ़ाते थे, तो वो लड़कों और लड़कियों को कुछ काम देते थे, उनको होमवर्क दिया जाता था, फिर उनको कुछ सवाल दिए जाते थे, बच्चे के साथ डिस्कस करते बैठते थे। ये सुनने के बाद अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, तब माजी सवाल रखती है आगे का, लेकिन इंसान तो मशीन के इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। लेकिन टॉमी उसको क्रॉस क्वेश्चन करता है और कहता है, श्योर ही इज़, वाई नॉट? बोलते, नहीं, बेशक उस वक्त जो टीचर थे यानी जो इंसान थे वो डेफिनेटली स्मार्ट थे। सी, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे अब्बा को, जो मेरे अब्बा पहले ज़माने में पढ़े हुए हैं ऐसे स्कूलों से, उनको हमारी मैकेनिकल टीचर की इतनी पूरी मालूमात है। ये सुनने के बाद आगे क्या होता है, हम आगे वाला पेज, दैट इज़ पेज नंबर 7, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आई होप अभी तक का आपको लेसन समझा होगा। आप यहाँ तक का लेसन वापस एक बार पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे और मीनिंग समझ के लेंगे। अल्लाह हाफिज़।